स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। देखिए, काफ़ी बड़ी अपडेट है आपके लिए, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको आगे चल के एग्ज़ाम में आपके लिए दिक्कत हो सकती है। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन। आपने शायद दो तीन दिनों में सुना होगा कि दिल्ली के पूरे कॉलेजेस बंद हो गए हैं कोविड के चलते। दिल्ली के पूरे कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर को हो या फिर प्राइवेट सेक्टर को हो या फिर अन्यथा ऐसे महाविद्यालय हो गए या फिर डिप्लोमा सेक्टर के जितने भी कॉलेज हैं, पूरे कॉलेज को बंद कर दिए गए हैं कोविड के चलते। अब यहाँ पे उपस्थित देखिए, यहाँ केवल वहीं दिल्ली में नहीं, कई जगह पंजाब में, हर जगह, मतलब काफ़ी जगह कोविड केस बढ़ रहा है। उसके चलते सभी कॉलेजेस को क्या किया, बंद किए जा रहे हैं। अब इस केस में देखिए, आपका एग्ज़ाम कब होना है, आपका एग्ज़ाम होना है जनवरी में, ठीक है। अब आपका एग्ज़ाम जितने भी मतलब पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम होना है जनवरी में। और अगर केस ऐसे ही बढ़ता रहा तो यूपी में भी आप देख लेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि इसके चलते कोविड को लेकर के सख्त कार्रवाई की जाएगी, मतलब कुछ रूल लगाया जाएगा। तो इस केस में देखिए, आपके एग्ज़ाम जो होने वाले हैं जनवरी में, उसमें हो सके कि फिर से ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रक्रिया चालू हो जाए। आप ध्यान दीजिएगा, इस बात को हल्के में ना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक और समस्या आती है, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा फिर से स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि आप स्टडी कर रहे हैं तो काफ़ी ऊपर से स्टडी ऐसे जैसे लिखित पेपर आता है तो उसमें आप कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन उसमें आपको लाइकली मतलब ध्यान से पढ़ना पड़ता है हर एक चीज़ ध्यान से। इसके लिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए यहाँ से आप अपनी स्टडी तो तैयार करिएगा। स्टडी की बात तो अलग है, लेकिन देखिए अगर आपका यहाँ पे यूपी में भी लॉकडाउन लग जा रहा है, इसलिए कि देखिए जो आपका दिल्ली में आपका शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन है। उसके बावजूद जितने भी कॉलेज हैं, मतलब गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट किसी भी सेक्टर के कॉलेज हैं, सभी कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। और उसके बावजूद यूपी में भी कई जगह ऐसे केसेस निकल रहे हैं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा, टेलीग्राम पे मेरे जाएंगे तो आपको मिल सकता है, वहाँ पे 2-4 चीज़ें मिलेंगी कि यूपी में कहाँ कहाँ पे लॉकडाउन लग रहा है। वहाँ पे डायरेक्ट सीएम जी द्वारा ऑफिशियल और ये अपडेट भी जारी किया गया है कि यूपी में भी अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, मतलब कोई रूल लगाया जाएगा कि आपको ऐसे करना है। आपको जैसे पिछली बार लगा था, आपने शायद देखा भी होगा, आप देखा क्या होगा, सब जानते ही हैं। तो इसमें आपकी स्टडी में थोड़ी सी डिले भी हो सकती है, एग्ज़ाम में भी थोड़ी सी डिले हो सकती है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब दिक्कत क्यों हो सकती है, पिछली बार काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चीटिंग कर ली थी आराम से। हालांकि चीटिंग करना अच्छी बात नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, आप अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। लेकिन इस बार जो प्रॉक्टर्स बनेंगे जितने भी, या फिर जो ऐप बनेगा उसमें थोड़ी सी और तकनीकी मतलब और सुधार कर दिया जाएगा कि आप जिसकी सहायता से आप चेक नहीं कर पाएंगे, मतलब उसमें कुछ और फीचर्स ऐड किए जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। मेरा उद्देश्य यही था कि अगर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम फिर से हुआ तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, आप ज़्यादा चीटिंग नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे, अगर आपका यूपी में भी लॉकडाउन लग जाता है, हालांकि लगे ना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बाई चांस अगर लग जाता है तो आपको दिक्कत होगी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में, तो आप अपनी स्टडी पर फोकस करते रहिए। इसलिए कि और अगर आपको ये न्यूज़ नहीं मिली है अभी तक तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर सारी अपडेट्स आती रहती हैं। जितना सीएम मतलब जो भी यूपी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है वो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाता है कि हाँ आज ये हुआ ऐसे हुआ, सारी चीज़ें भेज दी जाती है, तो वहाँ से आप जा करके पढ़ सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ी अपडेट है आपके लिए कि आप स्टडी कैसे करेंगे। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप अपनी स्टडी कैसे कर रहे हैं। टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, इस बार और दिक्कत हो सकती है, और एग्ज़ाम में डिले भी हो सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।